अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं। ये 5 मरला घर बहेटन लाहौर में ये घर मौजूद है। 2545 इस प्लॉट की डायमेंशन है। ये इसका स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं। 100% डेवलप ब्लॉक में ये घर मौजूद है और ये बिल्कुल सामने ये स्कूल का व्यू है। स्कूल इस लोकेशन के बिल्कुल नियर टू है। कमर्शियल मार्केट, मेन रोड, मस्जिद, आइडियल लोकेशन पे घर मौजूद है। LDA अप्रूव्ड ये ब्लॉक है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है। ये फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं ये वाइट और ग्रे कलर में इसमें कम्प्लीट फ्रंट एलिवेशन में टाइल वर्क हुआ है। ये राइट साइड पे इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया है और इसके साथ लेफ्ट साइड पे ये विंडो नज़र आ रही है। ये विंडो फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है और ये टॉप पे इसकी ममटी का व्यू है। ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई, आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट वॉल में कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है। ये आटो लोन दिया गया, प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल है, ग्रास यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इसमें रैंप का व्यू है। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन है, ब्लैक और गोल्डन कलर में इसे पेंट किया गया, बड़ा खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसके गैराज का व्यू है। ये गैराज में आप देख सकते हैं आपकी एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। ये राइट साइड पे ये वॉल डिज़ाइन की गई, आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ है यहाँ पे। और ये लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये वॉल डिज़ाइन की गई, आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल वर्क हुआ है। ये वाटर यूनिट दिया गया यहाँ पे। ये इसमें विंडो दी गई UPVC की, ये विंडो दी गई सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसके ड्राइंग रूम की विंडो है और ये आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है। और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। ये इसका टेरेस डिज़ाइन है और ये नीचे इसके गैराज का व्यू है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये बिल्कुल सामने मेन डोर दिया गया, इसके साथ ये पाउडर रूम दिया गया। पहले हम इसका ये पाउडर रूम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एशियन सीट यहाँ पर इंस्टॉल है, सिंक कम्प्लीट यहाँ पे, टाइल वर्क हुआ है। ये स्टोर का डिज़ाइन है। ये इसमें मेन डोर दिया गया, ये लेफ्ट साइड पे ये डोर दिया गया। इस डोर से आप एंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं ये इस हॉल का व्यू है कंप्लीट। ये इसकी फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई, आप देख सकते हैं वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया, मिरर यूज़ किया गया, लाइट्स दी गई हैं, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। और ये इस हॉल का व्यू है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया। इसके ड्राइंग रूम को लिविंग एरिया को मर्ज किया गया। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, खूबसूरत शैंडल यहाँ पर इंस्टॉल है। ये बिल्कुल सामने मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई। नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल्स की गई और ये बिल्कुल फ्रंट पे ये किचन स्पेस दी गई। इसके साथ एक बेडरूम है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे किचन दिया गया और बेडरूम दिया गया। ये स्टेयर्स दी गई ऊपर, इसके फर्स्ट फ्लोर को आप अप्रोच कर रही हैं। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए। ये सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। अभी हमने बाहर से ये विंडो विजिट की है। इस तरह इस घर को डिज़ाइन किया गया। ये इस हॉल का व्यू है कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं काफ़ी वाइडर जो है लुक है इस घर की। ये नीचे एक बेडरूम दिया गया, ये किचन स्पेस है। पहले हम इसका किचन विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज में ये किचन डिज़ाइन किया गया। ये कबर्ड स्पेस दी गई यहाँ पे, सिंक बर्नर हुड यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये एग्जॉस्ट दिया गया। नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं वुडन डिज़ाइन में टाइल वर्क हुआ है। ये इसमें विंडो दी गई, डोर दिया गया। ये इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं डबल डोर दिया गया इसके बैक गली की तरफ किचन में। ये वाटर यूनिट दिया गया। ये इसकी गली का व्यू है। ये इसमें विंडो दी गई। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम की विंडो है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बेडरूम की विंडो है। ये इसके वॉशरूम की विंडो है जो इसकी बैक गली की तरफ वेंटिलेशन के लिए ओपन हो रही है। इस तरह ये हम वापस आ गए हैं इसके किचन में। ये इसके किचन का व्यू है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये बेडरूम दिया गया। ये हम विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज में ये बेडरूम डिज़ाइन किया गया। ये इसकी बेड साइड वॉल डिज़ाइन की गई, ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है। वॉलपेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल है, लाइट्स दी गई यहाँ पर। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन यहाँ पर इंस्टॉल है। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई UPVC की, ये विंडो दी गई है सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये विंडो अभी हमने इसकी बैक गली से विजिट की है। ये बेड साइड वॉल के सामने मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई। ये इसमें वॉशरूम का व्यू है। ये वॉशरूम में आप देख सकते हैं ब्लैक और ब्राउन कलर की कम्बिनेशन में ये टाइल वर्क हुआ है। ये वाइट कलर में टाइल यूज़ की गई है यहाँ पर। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं मिरर, सिंक, कमोड, शावर सेट यहाँ पर इंस्टॉल है। ये इस वॉशरूम का व्यू है कम्प्लीट। ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है। ये कबर्ड स्पेस दी गई यहाँ पे। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है।
ये हम वापस आ गए, हम इसके लिविंग एरिया में नीचे ग्राउंड फ्लोर हम कम्प्लीट विजिट कर चुके हैं, नीचे एक बेडरूम है ये अभी हमने विजिट किया है, साथ किचन स्पेस है ये हम विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू है, बिल्कुल सामने स्टेयर्स दी गई हैं, स्टेयर्स के फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर देंगे, आप देख सकते हैं स्टील स्टेयर्स में दी गई हैं, स्टेप पे जेट ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया। ये वॉल के बिल्कुल सामने इस वॉल का व्यू खूबसूरत बनाने के लिए आप देख सकते हैं निशेस दी गई, लाइट्स इसमें यूज़ की गई, ये विंडो दी गई इसमें, ये साथ डोर दिया गया, ये टेरेस की विंडो है, इसके साथ ये टेरेस का डोर है, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे इसके लिविंग एरिया में आगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी वाइडर अकोमोडेशन है लिविंग एरिया की, ये बिल्कुल सामने मीडिया वॉल इसकी दी गई है, LED यूनिट दिया गया, वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब यहाँ पर स्टोर है, ये इसका स्लिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर स्टोर है, नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल्स की गई है। ये स्टेज के साथ ऊपर आते हैं, ये टेरेस का डोर है, इसके साथ फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का बेडरूम दिया गया, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है, और ये राइट साइड पे ये बेडरूम दिया गया और ये किचन स्पेस है। पहले हम इसकी ये राइट साइड विजिट कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये कवर्ड स्पेस दी गई यहाँ पे, फुट बर्नर सिंक यहाँ पे स्टोर है, नीचे ग्राउंड पे ये टाइल वर्क हुआ है, और ये वॉल के साथ आप देख सकते हैं कम्प्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है, ये इसका सीलिंग डिजाइन है, ये वेंटिलेशन की स्पेस दी गई, ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है, ये इस किचन का व्यू है कम्प्लीट। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, इसके साथ ये बेडरूम दिया गया, ये बेडरूम हम विजिट कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये इसका व्यू है, ये इसकी बेडशीट वॉल डिज़ाइन की गई है, वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया, ग्लोब यहाँ पर स्टोर है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर स्टोर है, ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है, वेंटिलेशन के लिए सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई, ये इसकी बैक फाइव फिटगर की तरफ ओपन हो रही है, और ये बेडशीट वॉल के बिल्कुल सामने ये LED यूनिट दिया गया, ये इसमें कवर्ड स्पेस दी गई है, ये इसमें वॉशरूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं ये वॉशरूम में शावर स्पेस को ग्लास कैबिन से सेपरेट किया गया, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ये एग्जास्ट दिया गया, ये विंडो इसकी बैक फाइव फिट गली की तरफ ओपन हो रही है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई, कंप्लीट यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये वेंट की गई यहाँ पे, ये कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इस वॉशरूम का व्यू है कम्प्लीट, ये इस बेडरूम का कम्प्लीट व्यू है, हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में, राइट साइड हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, ये बेडरूम दिया गया, इसके साथ किचन स्पेस अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है, अभी हम इसके लेफ्ट साइड विजिट कर लेते हैं, ये इसमें बेडरूम दिया गया, ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई, ये विंडो बाहर से ये फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई, इसके बेडशीट वॉल डिज़ाइन की गई, आप देख सकते हैं वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया, खूबसूरत ग्लोब यहाँ पर इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन यहाँ पर इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पर आप देख सकते हैं 2x2 की टाइल्स की गई, ये बेडशीट बोर्ड के सामने ये LED यूनिट दिया गया, ये इसमें वॉशरूम दिया गया, वॉशरूम से पहले ये कवर्ड स्पेस दी गई यहाँ पे, ये इस वॉशरूम का व्यू है, ये आप देख सकते हैं सिंक मिरर यहाँ पे इंस्टॉल है कंप्लीट, यहाँ पे टाइल वर्क हुआ है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, शावर सेट कमोड यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इस वॉशरूम का व्यू है कम्प्लीट, ये वेंटिलेशन की स्पेस दी गई, ऊपर इसकी छत की तरफ ओपन हो रही है, ये इसमें कवर्ड स्पेस दी गई है, ये इस बेडरूम का कंप्लीट व्यू है, ये वापस आ गया लिविंग एरिया में, इसके साथ ये टेरेस दिया गया, ये टेरेस अभी हम विजिट कर लेते हैं, ये टेरेस की विंडो दी गई, ये आप देख सकते हैं ये टेरेस का व्यू है कंप्लीट, यहाँ पे ये टाइल वर्क हुआ, ये वाटर यूनिट दिया गया यहाँ पे, ये फ्रंट से ऐसे कवर्ड किया, आयरन रोड यूज किया गया, ये विंडो दी गई, अंदर से स्टेज के सामने आ रही है, ये टॉप इसकी ममटी का व्यू है, ये फर्स्ट फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, अभी हमने ये टेरेस विजिट किया है, इसके साथ ये बेडरूम दिया गया, ये हम विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं, और ये राइट साइड पे एक बेडरूम दिया गया, साथ ही किचन स्पेस है, अभी हम इसकी ममटी और छत विजिट कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये खूबसूरत डिशेज दी गई, इसमें वॉलपेपर यूज़ किया गया, लाइट्स दी गई यहाँ पे, इस वॉल का व्यू खूबसूरत बनाने के लिए, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ये कंप्लीट यहाँ पे मार्बल वर्क हुआ है, ये सर्वेंट रूम दिया गया अलहदा से सेपरेट, और ये वॉशरूम दिया गया, यानी कि एक सर्वेंट रूम स्पेस प्रॉपर जो है ऊपर छत पे दी गई है, ये बिल्कुल सामने कमर्शियल नज़र आ रहे हैं आपको, कमर्शियल मार्केट इसके नियर टू है, ये इस ब्लॉक का व्यू है, ये आप देख सकते हैं 100% डुअल ब्लॉक है, ये आपको ये स्कूल का व्यू है, स्कूल यहाँ पर मौजूद है, पार्क मस्जिद इस ब्लॉक में मौजूद है, LD अप्रूव्ड ये ब्लॉक है, 260 घर की डिमांड है, जो दोस्त शेख लाइन इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।